मॉडर्न बाबा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। गांधी जी वापिस आ रहे, ये क्या बकवास है। जिस इंसान की मृत्यु 70 वर्ष पहले हो गई थी वो वापिस कैसे आ सकते हैं। जब मैंने ये सुना तो मुझे लगा या तो कोई कॉमेडी हो रहा होगा, या तो कोई मूवी बन रही होगी, या तो कोई साइंस एक्सपेरिमेंट चल रहा होगा। लेकिन आप लोगों को बता दूं कि ये तीनों ही नहीं है। गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ में उनको वापस लाने की तैयारी भारतीय सरकार कर रही है। आपके मन में एक और सवाल ये भी आ रहा होगा कि मैंने आज ये कुर्ता क्यों पहना हुआ है। तो अगर आप ये वीडियो अंत तक के देखते हैं तो आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। और एक बात की तो गारंटी मैं ज़रूर दूंगा कि आप ये वीडियो जब अंत तक देखेंगे तो आपका सीना गर्व से फूल जाएगा और आपके मन में एक बहुत बड़ी मुस्कान होगी और आपके मन में कुछ कर दिखाने का जज्बा भी होगा। जानते हैं आखिर गांधी जी के वापसी का मुद्दा है क्या। नमस्कार दोस्तों, मैं मुक्तेश मॉडर्न बाबा के नए शानदार एपिसोड में जानदार तरीके से आपके स्वागत करता हूँ। सबसे पहले तो हम ये बात क्लियर कर लें कि ये कोई भी पॉलिटिकल वीडियो नहीं है, तो हम लोग पॉलिटिकल मुद्दों को ऐसे बाजू कर लेते हैं। अब दूसरा ये कि हर किसी को समझ होनी चाहिए कि एक इंसान में अच्छी बातें भी होती है तो बुरी बातें भी होती है। तो गांधी जी भी एक इंसान ही थे, कोई उनको भगवान तो समझते नहीं है, कोई इंसान ही नहीं थे, तो उनमें भी अच्छी बातें भी थी और बुरी बातें भी थी। तो हम लोग इस वीडियो में हम लोग उनकी अच्छी बातों पर फोकस करने वाले हैं और भारत सरकार भी उनकी अच्छी बातों पर ही फोकस करने वाली है, जिस कारण उनको महात्मा कहा गया था। जैसा कि हम जानते हैं कि गांधी जी की 150वीं सालगिरह आने वाली है अभी 2 अक्टूबर 2018 में। तो भारत सरकार ने सोचा कि गांधी जी को वापस लाया जाए। अब गांधी जी को कैसे वापस लाया जाए, अब उनको फिजिकली तो वापस लाया नहीं जा सकता, फिजिकली कैसे, जादू टोना वगैरह करके थोड़ी ना लाएंगे। तो गांधी जी को एज अ फिलोसॉफी उनको वापस लाया जाए। तो सबसे पहला मुद्दा उसमें ये होगा कि सबको ये तो जानते हैं कि गांधी जी नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा और शांति के प्रेमी थे। तो सबसे पहले तो अहिंसा और शांति को पूरे दुनिया में लाया जाएगा, अब इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब जैसा कि देखेंगे कि पूरे दुनिया में जिस प्रकार के वेपन्स बन रहे हैं, बम बन रहे हैं, हथियार बन रहे हैं, इतने खतरनाक हो गए हैं कि एक गन से ही कितने सारे गोली निकल जाते हैं, कितने सारे लोगों की जानें चली जाती हैं, एक इतने छोटे से बम से, इतने छोटे से न्यूक्लियर बम से कितने सारे लोगों की जान जा सकती है। तो इस दौरान अगर किसी का भी दिमाग घूम गया और वो किसी पर हमला कर लिया तो फिर आप समझ नहीं सकते कि कितने लोगों की जान जा सकती है। ये सब चीज़ों से बचने के लिए हम अगर अहिंसा और शांति को अगर दुनिया में लेके आते हैं एज एन एग्जाम्पल, तो ये कितना बड़ा बात होगा, पूरे दुनिया में अमन और शांति छाया रहेगा। तब ओवरऑल गांधी जी को लाने का प्लानिंग कैसे हो रहा है, तो एक कमेटी बनी है, वो 20 मेंबर्स की कमेटी है। ये जो पूरा वीडियो है इसमें जो भी जानकारी मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ वो सद्गुरु जग्गी वसुदेव जी द्वारा जो प्रेजेंटेशन दिया गया था उसके बेस पे है। गांधी जी को जो वापस लाने का जो कमेटी बने हैं वो 20 मेंबर्स का कमेटी है। इस कमेटी के चेयरपर्सन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, साथ ही साथ इसमें होम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर्स और ऐसे ही बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। कुछ अपोजिशन पार्टी के मेंबर्स भी इन्वॉल्व हैं और ऐसे कई लोग इन्वॉल्व हैं जिन लोग गांधी जी से जुड़े हुए एक्टिविटीज़ अपने ज़िंदगी में करते हुए आए हैं। तो ये सब लोग मिलके ये डिसाइड करने वाले हैं कि गांधी जी को हम लोग इस दुनिया में कैसे वापस लाएं, उनकी फिलोसॉफी को कैसे वापस लाएं। तो जैसा कि हमने पहला देखा कि नॉन वायलेंस और पीस मतलब अहिंसा और शांति के बल पे उनको लाया जाएगा, उनका जो मेन फिलोसॉफी था कि अब जैसे कि वो आपने मुन्ना भाई MBBS में तो देखा ही होगा कि एक झापड़ मारो इस गाल में तो दूसरा गाल आप सामने दे दो। नहीं, इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, कम से कम इतना करें कि भाई किसी से भी गुस्सा ना करें, कम से कम हम लोग हर किसी से शांति से पेश आए, हर किसी से, मैं भी आप भी हर कोई शांति से अगर पेश आएगा तो मतलब आप समझ के चलिए कि कितनी सारी समस्याएं तो यू सॉल्व हो जाएंगे। अब दूसरी बात ये, गांधी जी नेचुरल फाइबर्स प्रोड्यूस करने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। अब थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए, अपन यहाँ पर हिस्ट्री और फैक्ट की बात करने वाले हैं, वो भी ऐसी हिस्ट्री जो हमने अपनी इंडियन टेक्स्ट बुक में शायद ही पढ़ा हो। प्राचीन काल में पूरे वर्ल्ड में जितना भी एक्सपोर्ट होता था उसका 90% सिर्फ भारत से जाता था। इमेजिन कीजिए, 90% ऑफ वर्ल्ड टेक्सटाइल एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया ओनली। हमारे भारत के कपड़ों का इतना ज़्यादा ऊंचा क्वालिटी रहता था कि उसका UK, यूरोप और जितने भी नॉन पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड थे उस टाइम पे वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिमांड में था। ये 1800 से 1860 के बीच में 60 सालों में
ये सिस्टमैटिकली ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा हमारे इस इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय किया गया। अब ये इंडस्ट्री चलता था लोगों से, उस समय मशीन तो था नहीं तो वहाँ पर लोगों से ही चलता था। तो उन्होंने क्या किया कि इसको धीरे धीरे ऐसा इसका एक्सपोर्ट को बंद किया कि यहाँ के लोग, अब लोगों के पास कुछ काम का स्थान, यहाँ के जो बुनकर थे, एक्सपोर्ट बंद हो गया तब ये जो बना रहे हैं उनका कोई वैल्यू नहीं रह गया। अब जैसे ही वैल्यू नहीं रहा तो उन लोग बेरोजगार हो गए। जैसे ही बेरोजगार हुए इन लोग भूख में प्यास में, मतलब कुछ भी नहीं बचा था, और ये सारे लोग मर गए ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। आज भी 44 लाख परिवार बुनकर है, मतलब वो भी कपड़ा में कहीं ना कहीं योगदान दे रहे हैं। हालांकि पूरे भारत में जो कपड़ों का प्रोडक्शन है उसमें ये मात्र 15% का ही हिस्सेदार है, लेकिन अगर आप और हम मिलकर अगर कोशिश करें तो ये बढ़ सकता है। अगर आप और हम मिलकर ऐसे, जैसे मैंने अभी आज नेचुरल कॉटन का कुर्ता पहन लिया, तो अगर हम लोग ऐसे कोशिश करें तो ये बढ़ सकता है। तो इस क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है लोगों को रोज़गार प्रदान करने का। पूरे भारत में आज भी 120 अलग अलग प्रकार के बुनकारी उपलब्ध हैं, और इसमें से 50 से 60 प्रकार लुप्त होने के कगार पे हैं। जी हाँ, आने वाले 15 से 20 सालों के अंदर 50 से 60 प्रकार लुप्त हो जाएंगे। सोचने की बात यह है कि इतने सारे अलग अलग प्रकार के बुनकर के जो स्टाइल्स अवेलेबल हैं वो विलुप्त होने के कगार पे हैं। आप ये सोचिए कि कितने साल लगे होंगे इसको इस मुकाम तक पहुँचने में। कई साल, पीढ़ी दर पीढ़ी ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पास किया गया और इस मुकाम तक पहुंचा, और वो भी विलुप्त होने के कगार पे हैं। क्या आप और हम मिलके इसको बचा नहीं सकते? एक और झकझोर देने वाला आंकड़ा मैं आपके सामने भी प्रेजेंट करने वाला हूँ। पूरे प्लैनेट अर्थ में जितने भी फाइबर्स प्रोड्यूस होते हैं उसका 90% आर्टिफिशियल फाइबर होता है। आर्टिफिशियल फाइबर पॉलीमर होता है। पॉलीमर का प्रदूषण में बहुत ज़्यादा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। आप लोगों को हैरानी होगी, और हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को पता ना हो, लेकिन पॉलीमर का पॉल्यूशन में बहुत बड़ा योगदान है। पूरे विश्व में सबसे बड़ा पॉल्यूशन का जो उद्योग है वो है ऑयल इंडस्ट्री, ऑयल और पेट्रोलियम इंडस्ट्री। दूसरे नंबर का जो सबसे बड़ा पॉल्यूशन का उद्योग है वो है एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में जो फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज होते हैं वो। और तीसरे नंबर में जो सबसे बड़ा पॉल्यूशन का जो कारण है वो है फैशन इंडस्ट्री, क्योंकि फैशन में बहुत ज़्यादा अलग अलग प्रकार के केमिकल्स, डाइज, पॉलीमर्स, पॉलिएस्टर्स, ये सब जो यूज़ होते हैं वो सबसे बड़े पॉल्यूशन का कारण है। ये जो पॉलिएस्टर होता है ये आर्टिफिशियल पॉलीमर से बना होता है। ये इतना ज़्यादा माइक्रो पॉलीमर के रूप में हर जगह मौजूद हो गया है कि हमारे स्किन के अंदर, हमारे फूड चेन में, हवा में, खान में, पान में, हर जगह पहुंच चुका है, और ये हम लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है। ये हम लोगों को अंदाज़ा भी नहीं होगा कि हमारे कपड़े भी हमको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो अगर हम लोग खादी को अपना लेते हैं तो आप इमेजिन कीजिए कि हम पॉल्यूशन को भी हम लोग दूर कर पाएंगे, हम लोग रोज़गार दे पाएंगे लोगों को। इस वीडियो के माध्यम से मैं फैशन डिज़ाइनर्स को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग नेचुरल फाइबर्स को लें और नेचुरल फाइबर को यूज़ करके कुछ फैशन प्रोडक्ट्स बनाएं। ऐसे फैशन प्रोडक्ट्स बनाएं कि जो हाई प्रीमियम क्लास के लोग हैं उन लोग भी अगर फैशन क्लॉथ को भी अगर पहनना प्रीफर करते हैं तो उन लोगों के पास नेचुरल फाइबर का, उन लोगों के पास ऑप्शन होना चाहिए। और वातावरण का सपोर्ट करने के लिए हम लोग अगर नेचुरल फाइबर को मशीन से भी प्रोड्यूस करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, ज़रूरी नहीं कि इसके लिए आदमी को एम्प्लॉय करें। आदमी को भी एम्प्लॉय करते हैं तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आर्टिस्टिक स्किल की रिक्वायरमेंट होती है, और बहुत सारे बुनकर हैं जिनको हम लोग सपोर्ट कर सकते हैं। कई ऐसे रिसर्च भी सामने आ चुके हैं जो ये साबित करते हैं कि पॉलिएस्टर से कैंसर भी होता है। जी हाँ, पॉलिएस्टर से कैंसर भी होता है। तो हम लोग अगर इससे बचते हैं तो हमारा सेहत भी अच्छा रहेगा, हमारा वातावरण भी सुरक्षित रहेगा, हमारे आसपास का पूरा दुनिया सुरक्षित रहेगा। हमारे पास कितने सारे नेचुरल फाइबर्स के ऑप्शन हैं जिनका कई सारे लोगों को नहीं पता होगा। हमारे पास कोसा है, लिनन है, कॉटन है, जूट है, और ऐसे ही बहुत सारे हैं, हम लोगों को नाम पता नहीं है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि और कौन कौन से हमारे पास ऑप्शंस हैं ऐसे नेचुरल फाइबर्स के, और ऐसे को सपोर्ट कीजिए। तो दोस्तों, ये जो आर्टिफिशियल फाइबर है, पॉलिएस्टर है, इससे कैंसर होता है, और इसको हम लोग ईजिली पहन रहे हैं। हम लोग यही जो कपड़े हैं इसको अपने बच्चों को पहना रहे हैं, जो लोग स्कूल पहन के जाते हैं, और बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ रहा होगा इन कपड़ों का हम लोग ज़रा भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अब इससे बचने के लिए एकमात्र उपाय क्या होगा कि हम लोग नेचुरल कपड़ों को पहने, नेचुरल कपड़ों का स्कूल ड्रेस बनाए। तो एक चेंज, बदलाव कैसे आएगा? क्या सरकार लेके आएगा बदलाव कि भाई अब नेचुरल कपड़ों से रिप्लेस करना चाहिए? सरकार सिर्फ एक दिशा दे सकती है, लेकिन असली बदलाव तो हमारे मन से आएगा।
तो हम लोगों को अपनाना है। हम लोग कम से कम एक कपड़ा खरीदें अभी के लिए, अपने बच्चों को पहनाएं, हम लोग अपने स्कूल में अपने कम्युनिटी से जाके इस विषय में चर्चा करें, और हम लोग लोगों को बोलें, स्कूल में जाके बोलें कि बच्चों का स्कूल ड्रेस चेंज होना चाहिए, आर्टिफिशियल कपड़ों का नहीं होना चाहिए, नेचुरल कपड़ों का होना चाहिए। तो नेचुरल कपड़ों का एटलीस्ट सरकार, अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिसर अगर इस वीडियो को देख रहे हो, या फिर कोई गवर्नमेंट से जुड़े हुए कोई भी, सरकार से जुड़े हुए कोई भी व्यक्ति अगर इस वीडियो को देख रहे हो, तो कुछ स्पेसिफिक पॉलिसी चेंजेस ला सकते हैं, कम से कम सरकारी स्कूलों में बदलाव ला सकते हैं और नेचुरल कपड़ों का स्कूल ड्रेस बनवा सकते हैं। इससे हमारे आने वाली पीढ़ी कम से कम सुरक्षित रहेगी और स्वस्थ रहेगी। तीसरा, आप में से बहुत ही कम लोगों को यह पता होगा कि गांधी जी को गांव से बहुत ज़्यादा प्रेम था, और गांधी जी ने भारत का जो सपना देखा था उसमें वो भारत को बहुत अच्छे अच्छे गांवों को मिलाकर बना हुआ भारत का सपना देखते थे। वो बहुत बड़े बड़े शहरों का भारत नहीं देखते थे, एक आध दो बड़े शहर हो सकते हैं, लेकिन मेनली गांव समृद्ध होने चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग गांधी जी बोले अरे वो गांव चाहते थे भारत में, वो शहर नहीं चाहते थे, नहीं, इसका मतलब ये है कि हम लोग इतना फेल हो चुके हैं गांव को डेवलप करने में, इस कारण हम लोग ऐसा सोच रहे हैं। लेकिन आइडियली अगर देखा जाए तो गांव इतने समृद्ध और इतने खुशहाल होना चाहिए। हम लोग बचपन में देखे होंगे कि कार्टून चलता था, उसमें क्या खुशहाल गांव रहता था, एकदम हरा भरा गांव, वहां पर कितना अच्छा माहौल रहता था, सब खुश रहते थे, वहां पर कोई राग द्वेष नहीं होता था, कोई बड़ा झगड़ा नहीं होता था, कोई छोटी मोटी नोकझोंक हो जाती थी और वहीं पर पूरा गुजारा हो जाता था। तो इतना खुशहाल गांव, अगर हम लोग एक आइडियल विलेज अगर प्रोड्यूस कर लें, तो सदगुरु जी ने सॉल्यूशन पेश किया है कि हम मॉडल विलेजेस डेवलप करें। अब मॉडल विलेजेस में क्या होगा? मॉडल विलेजेस में हर सुविधा होगी, मॉडल विलेजेस में एनवायरमेंटल फ्रेंडली होगा, वहाँ पर स्कूल होंगे, एजुकेशन होंगे, वहाँ पर हेल्थ होगा, वहाँ पर नरिशमेंट होगा, वहाँ पर लोगों को हर प्रकार की जानकारी होगी, लोग एम्पावर्ड होंगे, वहाँ पर उनके पास इंटरनेट की सुविधा होगी, वहाँ पर प्रॉपर इकोनॉमिक फैसिलिटीज होगा, प्रॉपर इकोनॉमिक स्ट्रक्चर होगा कि वो लोग अपना लाइफ को सस्टेन कर पा रहे हैं और अपने लाइफ को एकदम अच्छे से जी पा रहे हैं। और इतना बेहतरीन वो गांव होगा जब मॉडल विलेज बन जाएगा, तब लोग शहर नहीं जाएंगे छुट्टी मनाने के लिए, शहर से और फॉरेन से लोग भारत के गांव आएंगे घूमने के लिए। तो ये है गांधी जी को वापस लाने का प्लानिंग। अब आप बताइए कि ये प्लानिंग आप लोगों को कैसा लगा, क्या आप लोगों के दिल में बात उतर रही है? अगर आप लोगों के दिल में बात उतर रही है तो हम लोगों को कमेंट करके बताएं कि हम लोग कैसे सपोर्ट कर सकते हैं और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, हम लोग ये वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो आप लोगों का हमको सिर्फ लाइक चाहिए रहता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम पॉजिटिविटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहते हैं कि हम लोग देश और दुनिया को अगर बदलना चाहते हैं तो वो हमसे बदलेगा, और हम लोगों को एक सही दिशा में कदम उठाना चाहिए। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करें। अगर आप वीडियो के अंत तक के पहुँच गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। Oh.